हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल PPS नॉलेज। आज मैं बताने जा रहा हूँ CSGM यूनिवर्सिटी न्यूज़। CSGM 10,000 फेल छात्रों को अतिरिक्त अंक देकर किया पास। जी हाँ दोस्तों, ये पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने 10,000 फेल छात्रों को अतिरिक्त अंक देकर पास किया है। क्या है न्यूज, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। BA, BSc और BCom अंतिम वर्ष में फेल हुए करीब 10,000 छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय ने अतिरिक्त अंक देकर पास कर दिया है। 2 से 10 अंक की कमी के कारण फेल हो रहे छात्रों को विश्वविद्यालय ने यह लाभ दिया है। यह पहला मौका है जब विश्वविद्यालय ने फेल वालों को लाभ देने के लिए मॉडरेशन प्रणाली लागू की है। कोरोना संक्रमण और पेपर के बदले पैटर्न को देखते हुए छात्रहित में यह फैसला लिया गया है। CSGM के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अंजनी कुमार मिश्र, डीन प्रशासन प्रोफेसर सुधांशु पंड्या व मीडिया प्रभारी डॉक्टर विवेक सजान ने बुधवार को प्रेस वार्ता की। विभिन्न पाठ्यक्रमों के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर आ रही शिकायतों व उसके निस्तारण के बारे में पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मूल्यांकन सही ढंग से हुआ है। स्नातक में संस्कृत, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, साइकोलॉजी, प्राचीन इतिहास व सोशियोलॉजी के अलावा MCom के प्रथम व द्वितीय पेपर की आंतरिकी में कुछ त्रुटियां थी, जिसे ठीक कराकर अपडेट रिजल्ट जारी किया गया है। डॉक्टर मिश्र ने बताया कि कोरोना संक्रमण जैसी विषम परिस्थितियों को देखते हुए कुलपति ने मॉडरेशन प्रणाली लागू करने का फैसला लिया था। इसके तहत 2 से लेकर 10 अंक तक अतिरिक्त दिए गए हैं। इसका लाभ सिर्फ फेल हो रहे छात्रों को नहीं बल्कि उस विषय के सभी छात्रों को दिया गया है। आंतरिकी में एक्सपर्ट की गलती के कारण कुछ छात्रों का रिजल्ट गड़बड़ हुआ था। BA में अकेले करीब 11,000 फेल छात्रों में से अब 7 छात्र पास हो गए हैं। CSGM के परीक्षा शुल्क में 15% कटौती। CSGM ने स्नातक व प्रस्नातक के लिए निर्धारित नए परीक्षा शुल्क में 15% की कटौती की है। अब स्नातक के छात्रों को 585 रुपये प्रति सेमेस्टर और प्रस्नातक के छात्रों को 710 रुपये प्रति सेमेस्टर परीक्षा शुल्क देना होगा। मौखिक का 100 रुपये प्रति सेमेस्टर शुल्क रखते हैं। हालांकि यह कटौती सिर्फ सत्र 2021-22 में ही लागू होगी। CSGM में परीक्षा शुल्क समेत अन्य को लेकर छात्रों के साथ कानपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ कोटा के महामंत्री डॉक्टर अवधेश सिंह, कानपुर विश्वविद्यालय स्ववित्त पोषित शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर कमलेश यादव, महामंत्री डॉक्टर अखंड प्रताप सिंह मांग कर रहे थे कि कोरोना काल में फीस कटौती की जानी चाहिए। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर नील कुमार यादव ने बताया कि स्नातक और प्रश्नातक के शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए कटौती युक्त शुल्क लिया जाएगा। वहीं PhD कोर्स के वर्ग के लिए पंजीकृत कराने वाले छात्रों से भी पूर्व वर्ष की भांति ही शुल्क लिया जाएगा। अगले सत्र नया पुनरीक्षित शुल्क छात्रों से लिया जाएगा। तो इस तरीके से यह न्यूज रही। यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।